हाय गाइस, मेरा नाम अभिनव, आप देख रहे हैं टेगर सिक्स। एंड गाइस, फाइनली हमारे पास नॉइस फिट एक्टिव स्मार्ट वॉच आ गया है। एंड ये मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी काफ़ी टाइम से, और ये रहा ये वॉच। तो ये आपको वॉच अभी 3500 का मिल रहा है, बाय लिंक मैं नीचे दे दूंगा। बट क्या 3500 में ये वॉच लाइक वैल्यू फॉर मनी या वर्थ इट है, या इसके अलावा और भी कोई ऑप्शंस है अभी आपके पास, इस वीडियो में हम वही जानेंगे। बट गाइस, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कर देना, अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कर सकते हो, बट मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको पसंद क्यों नहीं आया। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो गाइस, ये है हमारे पास नॉइस फिट का बॉक्स, और यहाँ पे हमें ये जेस्टी ग्रे कलर में आया है। पीछे की तरफ इसके फीचर्स हैं जो मैं आगे बात करूँगा। उसके अलावा इसे बॉक्स को अगर मैं खोलूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये हमें इसका एक डिपार्टमेंट मिलता है जिसमें मैनुअल कार्ड एंड वारंटी कार्ड है। एंड उसके नीचे ये वॉच है, काफ़ी कमाल का लग रहा है, इसे मैं साइड रखता हूँ। उसके नीचे यहाँ पे चार्जिंग केबल देखने को मिलता है इसका, जो कि मैग्नेटिक है। वो इन सब के बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूँगा, सबसे पहले वॉच निकाल लेता हूँ। वाओ, अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ ना तो काफ़ी लाइट वेट है। लाइक जब मैंने वॉच देखा तो मुझे लगा थोड़ा हैवी होगा, बट काफ़ी लाइट वेट है। ओके, सो गाइस, अभी डिटेल में बात करेंगे। तो इसे आपको कनेक्ट करने के लिए नॉइस फिट करके एक ऐप आता है, अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होगा। एंड ऐप की अगर इंटरफेस की बात करूँ ना, यहाँ पे ऐप खोलते ही सामने हमें समरीज देखने को मिलता है, कुछ कुछ चैलेंजेस है। एंड नीचे यहाँ पे आपका डिस्टेंस, स्टेप्स, कैलोरीज, स्टेप काउंट, स्लीप आवर्स, डिस्टेंस, हार्ट रेट मॉनिटर, स्ट्रेस काउंट, ब्लड ऑक्सीजन, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नीचे जाकर, यहां पे शॉप का ऑप्शन है एक, यहां पे आपको अलग अलग ऑफर्स मिलेंगे। देन एक्टिविटी है, देन वॉच फेसेस है। एंड गाइस, यहां पे वॉच फेसेस काफी सारे हैं, आई मीन यहां पे क्लाउड वॉच फेसेस नॉइस ने प्रोवाइड किया है, एंड काफी अच्छे अच्छे वॉच फेसेस हैं। अपडेट के बाद भी काफी सारे वॉच फेसेस इसमें ऐड होते रहेंगे। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप अपना कस्टमाइज कर सकते हो वॉच फेस, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग्स है, यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। एंड यहाँ पे माय बडीज ट्रॉफीज, वारंटी रजिस्ट्रेशन करना यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं वॉच पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप अपडेट चेक कर सकते हो, हालांकि ये अपडेटेड है। देन म्यूजिक कंट्रोल, डू नॉट डिस्टर्ब, हार्ट रेट मॉनिटर, एप्पल हेल्थ, मेरा iOS है इसीलिए ये दिखा रहा है, फाइंड माई फोन, देन रिस्ट सेंस, सेट डिवाइस टाइम। एंड गाइस, यहाँ पे मुझे एक चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है इस वॉच के बारे में, अलार्म के ऊपर है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। उसके अलावा वेदर सेटिंग है, नोटिफिकेशन अलर्ट है, सारे नोटिफिकेशंस आएंगे। देन स्पोर्ट रिकॉग्नाइजेशन है, ऑटो रिकॉग्नाइज करता है स्पोर्ट्स, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे वॉक रिमाइंडर है, स्पोर्ट्स मोड सिलेक्शन है, यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट है। ओके, तो ये तो हो गई गाइस वॉच के ऐप के बारे में बात। गाइस, अब हम यहाँ पे वॉच के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं वीडियो में, वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस, ये है हमारे पास वॉच, और अभी मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी डिटेल्ड में मैंने लाइक इसे यूज़ किया है, तो मैं आप लोगों को काफ़ी डिटेल में बता सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इसकी बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। तो गाइस, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्कुल पॉलीकार्बोनेट का मेन बॉडी है, मेटालिक फिनिश है, काफ़ी लाइट वेट है। लाइक अगर आप इसे देखोगे तो थोड़ा हैवी लगेगा, बट काफ़ी लाइट वेट है। उसके अलावा स्ट्रैप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड डिटैचेबल स्ट्रैप्स है, आप आराम से इसे डिटैच कर सकते हो। पीछे की तरफ यहाँ पे हमें सेंसर देखने को मिलता है, हार्ट रेट सेंसर है, उसके अलावा SPO2 के लिए अलग से सेंसर दिया हुआ है, अच्छी चीज़ है। देन आपके स्टेप्स ट्रैक करने के लिए भी यहाँ पे सेंसर देखने को मिलता है। उसके अलावा चार्जिंग पोर्ट है। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप इसे पहनते हो तो कंफर्टेबल अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। एंड ओवरऑल मुझे पर्सनली बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी। अगर 3500 की बात करूँ, यस, बिल्ड क्वालिटी मुझे इसकी अच्छी लगी। एंड वहीं पर अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो हमें यहाँ पे 1.28 इंच का 240x240 रिजोल्यूशन वाला एक डिस्प्ले देखने को मिलता है, एंड काफ़ी डिसेंट सा डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। प्लस आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले करके नहीं रख सकते हो, बट स्टिल डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टच रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले है, आपके टचेस मिस नहीं होंगे। एंड यहाँ पे हमें दो बटन्स देखने को मिलता है, अगर आप ऊपर वाले बटन को दबाते हो तो ये यहाँ पे मेन्यू आ जाता है, मेन मेन्यू इसका। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा वॉच इंटरफेस में। उसके अलावा वही बैक होता है उसी बटन से, एंड अगर आप नीचे वाला बटन दबाते हो तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पोर्ट्स मोड खुलता है, क्योंकि गाइस ये थोड़ा स्पोर्ट्स के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है इसके लिए, तो वहाँ पे एक डेडिकेटेड बटन दिया है स्पोर्ट्स मोड में डायरेक्ट जाने के लिए। एंड गाइस, यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोगों का सवाल रहता है, तो आप ड्यूरिंग स्पोर्ट्स या अगर आपका स्पोर्ट्स मोड में कुछ एक्टिविटी चल रहा है उसके साथ साथ आप म्यूजिक सुन सकते हो और उसे कंट्रोल कर सकते हो, यहां पे ऑप्शन मिलता है। उसके अलावा अगर मैं यहां पे वॉच इंटरफेस की बात करूं तो गाइस, ये सामने हमें वॉच फेस मिलता है, आप इसे चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो यहां पे सिर्फ 3 वॉच फेसेस वॉच में है, और उसके अलावा आप क्लाउड फेसेस या कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस आप डाउनलोड कर सकते हो।
उसके अलावा राइट स्वाइप करोगे तो स्टेप्स काउंट का ऑप्शन मिलेगा, देन हार्ट रेट का ऑप्शन मिल जाता है, देन स्ट्रेस आपको आपके स्ट्रेस को ये मॉनिटर करता है, ये एक अच्छी चीज है। वेदर का ऑप्शन मिल जाता है, आपके फोन से सिंक होता है, वापस आप वॉच फेसेस पे आ जाओगे। अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर है, नोटिफिकेशन आपको सारे जो फोन में नोटिफिकेशन आते हैं देखने को मिलेंगे। एंड गाइस काफी कमाल का है, लाइक नोटिफिकेशन एक भी मिस नहीं होता है, सारे नोटिफिकेशन आएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कॉलिंग करो, कॉल आएंगे, रिप्लाई नहीं कर सकते हो मैसेजेस के, कॉल को सिर्फ कट कर सकते हो, रिसीव नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन्स नहीं है, तो ये एक चीज है। उसके अलावा अगर आप नीचे स्वाइप करते हो तो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलेगा, यहाँ पे DND, देन रेस टू वेक, देन फाइंड माई फोन का ऑप्शन है, एंड ब्राइटनेस लेवल कंट्रोल है। एंड यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस की बात करूँ तो हमें यहाँ पे 3 लेवल की ब्राइटनेस मिलती है। ब्राइटनेस मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आप लाइक एकदम बाहर सनी डे में हो तो थोड़ा सा आपको शेड लेना पड़ सकता है, बट उसके अलावा लाइक ब्राइटनेस डिसेंट सा है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस नहीं है इसमें, बट डिसेंट सा ब्राइटनेस है, ये मुझे अच्छा लगा। वहीं पे अगर आप ऊपर वाले बटन को क्लिक करते हो यहाँ पे हमें मेन मेन्यू देखने को मिलता है, यहाँ पे हेल्थ डेटा, स्पोर्ट्स मोड, रिकॉर्ड्स, देन हार्ट रेट, स्लीप, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, देन स्ट्रेस, देन ब्रीथ, स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म। एंड गाइस एक चीज मुझे यहाँ पे, मैं जो बता रहा था यहाँ पे ना, इस डिवाइस में आप अलार्म खुद से सेट कर सकते हो 3500 के अंदर। ये मैं बता दूँ पर्सनल है ये, लाइक मुझे पर्सनली ये फीचर काफ़ी अच्छा लगा, एंड ये थोड़ा रेयर है, बहुत सारे वॉचेस में ये मिसिंग रहता है, आपको अपने फ़ोन से सेट करना पड़ता है, बट यहाँ पे आप इस वॉच से ही अपने अलार्म को सेट कर सकते हो। ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, काफ़ी हैंडी होता है। उसके अलावा म्यूजिक कंट्रोल है, देन वेदर है, देन फाइंड माई फोन है, एंड सेटिंग्स है। एक चीज़ मिसिंग है यहाँ पे, कैमरा कंट्रोल, आप अपने कैमरा को कंट्रोल नहीं कर सकते हो इस वॉच से, सो यस ये एक चीज़ मिसिंग है। उसके अलावा ओवरऑल वॉच इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। एक चीज मुझे प्रॉब्लम लगी है इस वॉच इंटरफेस में, हल्का सा लैग करता है, एंड ये नॉइज का मैंने शुरू से ही देखा है, जितने भी वॉच के मैंने लाइक अनबॉक्सिंग रिव्यू किया है उसमें सारे में थोड़ा सा इंटरफेस में लैग रहता है, नॉइज पे ये ठीक करना चाहिए, बट आई डोंट नो क्यों ठीक नहीं कर रहे, बट यस वॉच इंटरफेस में थोड़ा सा लैग है, तो अगर आपको ज़्यादा लैगी वॉच इंटरफेस नहीं पसंद है देन ये वॉच आपके लिए नहीं है। बट ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा गाइस, अभी तक बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड ओवरऑल जो वॉच का UI है मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कलरफुल डिस्प्ले है, यस थोड़ा सा लैग करता है वॉच UI में, बट यस ये एक चीज़ है। प्लस इसमें अलार्म आप खुद सेट कर सकते हो, ये एक पर्सनल टच है जो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा ये वॉच 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट है, पहन के इवन आप नहा सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप बारिश में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ये एक चीज़ हो गई। एंड वहीं पे अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 5 से 7 दिन का बैटरी लाइफ मिलता है, तो यस मुझे 3 से 4 दिन अभी तक मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन मिल जाएगा, अभी 3-4 दिन हुए नहीं है वॉच यूज़ करते हुए, बट 3-4 दिन मुझे लगता है मिल जाएगा, तो डेफिनेटली लाइक जितना कंपनी ने क्लेम किया है उतना ही आराम से चल जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ, सबसे पहले हार्ट रेट मॉनिटर, तो गाइस ये हार्ट रेट मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, मैंने काफ़ी बार मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, तो डेफिनेटली हार्ट रेट मॉनिटर काफ़ी एक्यूरेट है। उसके कारण आपका कैलोरीज बर्न या स्पोर्ट्स मोड में या डे टू डे लाइफ में कैलोरीज बर्न कितना होता है, आपका स्ट्रेस कितना है कैसा, ये सब काफ़ी अच्छे से कैलकुलेट करता है क्योंकि हार्ट सेंसर अच्छा है इसका। वहीं पर अगर मैं यहाँ पे ट्रैकिंग की बात करूँ, स्टेप्स काउंट की बात करूँ ना, तो स्टेप्स काउंट गाइस काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट लगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे काउंट किया लाइक 50 स्टेप्स चला, तो इसने एग्जैक्टली 50 स्टेप्स काउंट किए, फिर मैं 100 स्टेप्स चला तो इसने 97 स्टेप्स काउंट किए। एंड गाइस इसे आप कह सकते हो कि डेफिनेटली स्टेप काउंट्स काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप स्पोर्ट्स मोड के लिए लेना चाहते हो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपना डे टू डे लाइफ हेल्थ ट्रैकिंग के लिए लेना चाहते हो काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक चीज़ और गाइस, अगर आप इसे जब वॉच को सेट करोगे एंड अगर आप फीमेल हो, सेट करते हो एज अ फीमेल, तो आपको यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी चीज लगी मुझे इसकी। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे SPO2 सेंसर की बात करूँ, इसमें SPO2 सेंसर दिया हुआ है एंड काफी एक्यूरेटली काम कर रहा है। हाँ कभी कभी अगर आप अपने रिस्ट में पहन के लेते हो तो कभी कभी आपको ये बोल देगा कि आपका रिस्ट में अच्छे से है नहीं, अगर आप हवा में कैलकुलेट करोगे तो आपको बोल देता है आप अच्छे से पहनो, बट मैं आपको बोलूंगा कि जब आप SPO2 चेक करते हो अपना, तो अपने उंगली में इसका जो सेंसर है ना, ये ऐसे उंगली में लगा के
चेक करोगे तो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, या जो थिन यहाँ पे थिन लेयर होता है यहाँ पे लगाओगे तो ज्यादा एक्यूरेटली आपको दिखाएगा। बट स्टिल गाइस मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लाइक एकदम मेडिकली यूज के लिए चाहिए तो आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करो, वॉचेस को उतना रिलाय मत करो। बट यस, एक रफ आइडिया लेने के लिए हार्ट रेट सेंसर डेफिनेटली अच्छा है, SPO2 अच्छा काम कर रहा है। एंड वहीं पे अगर गाइस मैं स्लीप ट्रैकिंग की बात करूं तो गाइस इसका स्लीप ट्रैकिंग भी मुझे काफी एक्यूरेट लगा है। आई मीन इस प्राइस रेंज में स्लीप ट्रैकिंग बहुत सारे वॉचेस का उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, इसका मुझे पर्सनली स्लीप ट्रैकिंग एक्यूरेट लगा है। मैं पहन के सोया तो यस अच्छे से ट्रैक किया इसने, लाइक 5-6 मिनट का मुझे ऊपर नीचे देखने को मिला है, बट यार उतना चलता है। उसके अलावा स्लीप ट्रैकिंग अच्छा है, आपको पूरी डिटेल में दिखा देगा, तो ये डेफिनेटली एक चीज है। एंड गाइस ओवरऑल मैं बात करूं एक्यूरेसी की, काफी कमाल की है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की बात करूं, क्योंकि ये लाइक स्पेसिफिकली जो ज्यादा स्पोर्ट्स करते हैं उसके लिए बना हुआ है, तो स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो यहाँ पे हमें 14 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। एंड गाइस यहाँ पे जो स्पोर्ट्स मोड है ये काफी लाइक अच्छे है। बहुत सारे वॉचेस में फालतू का स्पोर्ट्स दे देते हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, बट इसमें यहाँ पे हमें आउटडोर वॉक, आउटडोर रन, आउटडोर साइकिल, देन इंडोर वॉक, इंडोर रन, इंडोर साइकिल, उसके अलावा एलिप्टिकल, देन रोअर्स, देन पूल स्विमिंग, ओपन वाटर स्विमिंग, क्रिकेट, हाइकिंग, योगा एंड वर्कआउट का भी ऑप्शन मिलता है। ये एक अच्छी चीज़ है कि वर्कआउट का ऑप्शन है, क्योंकि जैसे मैं पहन के जिम करता हूँ, बहुत सारे मैंने वॉचेस यूज़ किए जिसमें वर्कआउट का ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये थोड़ा अनॉइंग लगता है, बट यस इसमें वर्कआउट का भी ऑप्शन है। एंड ये सब काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। मैंने 2-3 वॉच एक साथ पहन के लाइक अभी तो जिम नहीं जा रहा हूँ, बट घर में थोड़ा जैसे ट्रैक किया है तो अच्छी ट्रैकिंग है, सारे की रिजल्ट्स काफ़ी लाइक एक्यूरेट आ रही थी। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड की भी एक्यूरेसी अच्छी है एंड काफी सारे स्पोर्ट्स मोड है, डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, काफी अच्छी चीज लगी मुझे इसकी। तो गाइस लाइक ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा 3,500 के प्राइस रेंज में ये डेफिनेटली एक काफी अच्छा वॉच है। अगर आप ये लेने का सोच रहे हो या लेना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली आपको सेफली ये रिकमेंड कर सकता हूँ। बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आप लोग को लेना है तो आप वहां से ले सकते हो। कुछ सजेशन है डेफिनेटली कमेंट करो, कुछ सवाल है डेफिनेटली कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो गाइस इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।